जैसे हमारे आचार्य शरद जी ने लिख के रखा है तीन बार, अध्ययन, अध्यापन, सभी सम्मान, ये तीनों जो बातें हैं हमारे AIPGU की प्रिपरेशन को मैच करती है। अध्ययन खुद पढ़ो, अध्यापन दूसरों को पढ़ाओ या खुद को ही पढ़ाओ, और सभी संभाषा मतलब डिस्कशन करो। ये जो तीनों बातें हैं ना, ये हमें याद रखनी है, हमें उसी के हिसाब से सामने जाना है। नेक्स्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके बाद में कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। 8 घंटे भी पढ़ो, 7 घंटे भी पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। अगर शेड्यूल टूट गया है हमारा तो उसे करने के लिए हमें बहुत टाइम जाता है। इसलिए जितना कंसिस्टेंसली हमें करना है उतना लास्ट तक के कंसिस्टेंसी हमें निभानी। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर वरदा कर्णिक। इन्होंने अपना UGSKR पांडव आयुर्वेद कॉलेज नागपुर से पूरा किया है, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, और इनकी जर्नी तो बहुत खास है। इन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 2393 था, और इस साल सेकेंड अटेम्प्ट में एक सडन जम्प ऑल इंडिया रैंक 50 आया है। वरदा, आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अदिति मैम, एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू माई ऑलवेज मेंटर डॉक्टर अजीत पाटिल सर एंड होल आयुर्वेद। जी, अच्छा वरदा, आपने यूजी अकेडमिक्स के बारे में कुछ बताएंगे? जी मैम, मेरा जो BAMS UG है वो श्री KR पांडव आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर से हुआ है। मैं एक प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा एक्चुअली सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरी रैंक थी वो 239 थी, एंड इस अटेम्प्ट में मेरी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 50 है, एंड मार्क्स जो है वो 355। That's a really great jump and a really great bounce back, जिसे कहते हैं कि एयर रैंक 2000 के इससे आपने सीधा एयर रैंक 50 लाया है। अच्छा वरदा, आपको रिपीट क्यों करना पड़ा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी क्या मिस्टेक्स हुई थी जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें? जी मैम, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है जो 2023 में था, तब मेरा जो ध्यान था वो पूरा प्रैक्टिस ओरिएंटेड ही था। मतलब स्टडी ओरिएंटेड मैंने एफर्ट्स बहुत ही कम डाले थे। उस टाइम शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक था, सिविल ड्यूटीज वगैरह जो रहती है वो पूरी हेक्टिक ही थी। तो जितना टाइम मुझे देना चाहिए था, जैसे 10 आवर्स है, 12 आवर्स है, इतना तो मैं दे नहीं पाई, तो इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ा। उसके बाद में जब 2023 का जब रिजल्ट लगा, तब मुझे रियलाइज हुआ एक्चुअली मैं बहुत, ये जो AIPGU की नामक जो रेस है उसमें सब लोग आगे बढ़ चुके थे और मैं उसी जगह पर। मतलब किसी का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, किसी ने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, सेमी गवर्नमेंट में जो कुछ है वो एडमिशन ले ली थी और मैं उसी जगह पर बैठी। तो एक्चुअली रिपीट करने के कुछ 4 से 5 रीजन है। तो ऐसा था कि पहला तो मेरा BAMS जो UG है होल प्राइवेट कॉलेज से हुआ था, तो सेकेंड भी मतलब जो PG है वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि फिर से मैं प्राइवेट कॉलेज में उसको एडमिशन दूँ और 3 साल उसको दूँ। तो ऐसा था। सेकंड ऐसा था कि जो ये प्राइवेट कॉलेज का टैग है वो मुझे मिटाना था और गवर्नमेंट कॉलेज का है टैग मुझे चाहिए था। एक जो एवरेज स्टूडेंट बन के जो रहता था वो मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए फिर मैंने रिपीट का डिसाइड किया। हालांकि जैसा सबका रहता है कि मुझे यही ड्रीम कॉलेज चाहिए या यही मुझे ड्रीम सीट चाहिए, तो मेरा ऐसा नहीं था कि बस मेरा ऐसा था कि मुझे प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज का सफर बस पार करना था, इतना ही मेरा ड्रीम था, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो फिर मैंने भगवान से कहा कि ये सब रीजंस सोच के मैंने रिपीट का डिसीजन लिया, और एक जो खुद को प्रूफ करने के लिए मुझे खुद को एक चांस देना चाहिए, ऐसे मुझे लगा और फिर मैंने रिपीट कर। जी वरदा, आपने डिसाइड किया था कि आपको गवर्नमेंट का टैग चाहिए, प्राइवेट का टैग हटाना है, और आपने वो करके दिखाया है। आप आपके जो भी सपने थे वो आपने उसको सिर्फ देखा ही नहीं, उसको आपने उसको पूरा करके भी दिखाया है। अच्छा वरदा, आप आयुर्गाइड की स्टूडेंट कब से हैं, और प्लेटफॉर्म चेंज करने के बाद आप शायद इसके पहले दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे, तो उसके बाद आपको कौन सी डिफिकल्टीज ओवरकम करनी पड़ी? जी मैम, जब एक्चुअली मैंने सर को तो दिसंबर 2023 से ज्वाइन किया था। आपने जैसा कहा कि मैं पहले अलग प्लेटफॉर्म से थी, अब जब मैंने अलग प्लेटफॉर्म से स्टडी की थी तब मेरी स्टडी जो थी वो पूरी सब्जेक्ट वाइज, अभी यहाँ का जो पैटर्न है वो होल संविता वाइज ही था। तो मैंने जब सर को दिसंबर में बात की थी तब सर ने मुझे एक मैम का नंबर दिया था, उनका नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगी, डॉक्टर सोनल जोशी मैम। उन्होंने मुझे गाइड किया था कि कैसे स्टडी करनी है, क्या करनी है, ये सब। और जब मैं सर के पास आई थी तब एक्चुअली मैं बहुत लेट हो चुकी थी, मतलब 6 या 7 मंथ्स की मेरे पास थे, और सब्जेक्ट वाइज तो सही था, वाइज मैं कैसे जाऊँ, तो ये सब डिफिकल्टीज मेरे मेरे सामने बहुत थी कि अब क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, तो बहुत प्रॉब्लम था। मुझे भी लगा कि मतलब सब मेरे लिए डिफिकल्ट जाने वाला है। हालांकि ऐसा था कि डिसाइड तो मेरा सितंबर से ही था कि मुझे रिपीट करनी है,
तो मैंने ये भी डिसीजन लिया था कि अभी मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। तो सेल्फ स्टडी मैंने 3 महीने की, जब सामने सामने जैसे जर्नी जाती थी, मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो जर्नी है वो मेरी अकेले से नहीं हो पाएगी। एक्चुअली क्या रहता है ना कि जब जब हम खुद स्टडी करने जाते हैं तब इसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी। तो ये इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं रहा था, सिर्फ मैं स्टडी कर रही थी, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। तो फिर मैंने सर के पास ज्वाइन, तो अभी तो मुझे संहिता वाइज करनी थी। मुझे लग रहा था कि मतलब ये सब डिफिकल्ट तो मेरे लिए होने वाला है, लेकिन जब मैंने सर से इस बारे में बात भी की तो सर बोले थे कि तुम ब्लाइंडली फॉलो करो, मतलब आपको इफेक्ट दिखेगा। तो मैंने 1 मंथ तो फुल ब्लाइंडली फॉलो किया था, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि जो मुझे डिफिकल्टी लग रही थी वो एक्चुअली में डिफिकल्टी थी ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पंचकर्म की स्टडी कर रही, तो मुझे तो और क्लियर हो गया कि मतलब पंचकर्म मुझे चरक सिद्धि से पढ़ना है। पंचकर्म मुझे सुश्रुत चिकित्सा 31 से 40 चैप्टर है, सुश्रुत चरक कल्प के जो कुछ चैप्टर्स आएंगे ये सब इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब मतलब क्लियरिफिकेशन मुझे आ गया कि मतलब ये सब्जेक्ट में ये संहिता आएगी और यही सब्जेक्ट में मुझे ये संहिता अभी पढ़नी है। तो इसका तो रिजल्ट भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा था, मतलब मेरे मार्क्स भी तब इम्प्रूव होने चालू हो गए थे। तो जो भी स्टूडेंट के माइंड में भी मतलब अभी हो रहा होगा कि मतलब हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज पहले पढ़ा था, अभी संहिता वाइज जाए कि नहीं, तो आप मतलब मेरा एग्जाम्पल लेके आप पढ़ सकते हो कि हमें संहिता वाइज स्टडी करना बेटर रहेगा, हालांकि मोर क्लैरिफिकेशन हमें आज। अच्छा वरदा, आपने जैसे बताया कि आप सब्जेक्ट से संहिता ओरिएंटेड स्टडी के ऊपर शिफ्ट हो चुके हुए थे, तो आपको कौन सा स्टडी प्लान अच्छा लगा दोनों में? मुझे तो संहिता वाइज स्टडी बेटर लगी, इसके 4 से 5 रीजन है मैं बताती हूँ। जैसे पहला की जो फाइनल पेपर सेट होने वाला है वो हमारा संहिता बेस्ड रहता है, ना कि सब्जेक्ट बेस्ड, और इसका सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा है। जैसे हम देख ही रहे हैं, मतलब 2022 से मैं देख रही हूँ कि सर के पास का जो पैटर्न है तो वो पैटर्न से अगर जाएंगे तो सक्सेस रेट तो ज्यादा मिला ही था। सेकेंड, जैसे मैंने बताया कि मोस्ट क्लैरिफिकेशन हमें इससे आ जाता है, और इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि संहिता वाइज अगर हम जाएंगे तो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, तो वो अलग लेवल का हमें दिखाई देता है। और रेफरेंस के ऊपर जो ग्रिप हमारी रहती है तो वो एक आना चालू हो जाती है, और इसीलिए तो मुझे मतलब संहिता वाइज स्टडी ही बेटर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, संहिता बेस्ड जो स्टडी, बिकॉज हमें एग्जाम में जो है संहिता बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाले हैं, वो रेफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेदर देन सब्जेक्ट। सो इट्स अ रियली गुड अप्रोच और ये काम कर रहा है, इतने सारे हम लोग रिजल्ट्स देख ही रहे। अच्छा वरदा, प्रिपरेशन के टाइम आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? आगे आने वाले एस्पिरेंट्स जो AIPGR की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? एक्चुअली इसके दौरान मैंने मेनली 3 चीजों के ऊपर फोकस किया था। पहला ऐसा था कि मुझे प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, सेकंड ऐसा था कि मुझे प्रॉपर टाइम मैनेज करना है, और थर्ड ऐसा था कि मेरी जो स्टडी है, क्योंकि टाइम तो मेरे पास कम था, 6 7 महीने में जो कुछ मुझे करना है वो करना, तो ऐसा था कि क्वालिटी स्टडी जो रहेगी वो मेरे लिए बेटर। तो जैसा मैंने पहले बोला कि मुझे जो स्टडी है वो प्रॉपर शेड्यूल से करनी, तो मैंने पहले शेड्यूल बना। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये जो शेड्यूल है ये मैंने प्रॉपर बनाया था, तो मैंने इसको डिवाइड किया था कि डेली मुझे क्या रखना है, संहिता वाइज मुझे क्या रखना है। संहिता में भी मैंने मेनली जो है वो मेजर संहिता के ऊपर फोकस किया था, चरक सुश्रुत वाग्भट और काश्यप को भी मैंने मेजर संहिता में ही कंसिडर किया था, क्योंकि उसके ऊपर भी 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, उतने क्वेश्चन तो वाग्भट के ऊपर भी बनते हैं, तो इसलिए मैंने काश्यप को मेजर संहिता में ही रखा। देन मैंने माइनर संहिता को डिवाइड किया, और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट एंड तारीख का जो क्वेश्चन, तो उसके बाद में मेरा उससे भी ज्यादा मेन फोकस था एमसीक्यू सॉल्विंग, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्विंग में कैसी बात रहती है ना कि पिछले साल मेरी यही गलती थी कि मेरी एमसीक्यू सॉल्विंग बहुत कम हो चुकी थी, इसलिए इस साल मैंने एमसीक्यू सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा, सेकंड था कि मुझे टाइम मैनेज बराबर से करना रहता था, क्योंकि जैसे सब लोग पढ़ते हैं कि 15 16 या जो कुछ 13 14 घंटे, तो इतना तो पढ़ाई मेरे से कभी हुई नहीं। टू बी फ्रैंक मैंने तो सिर्फ 10 घंटे या 12 घंटे ही पढ़ा होगा, 12 से ऊपर तो मैंने कभी किया ही नहीं, 10 घंटा ही मैंने किया। तो जैसे मानो 24 आवर्स है, उसमें से मेरे नींद में जाएंगे 7 to 8 आवर्स, क्योंकि कैसा रहता कि नींद अगर बराबर से पूरी हुई है हमारी तो ही जो प्रॉपर स्टडी है वो हो पाएगी। तो नींद के साथ में तो मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना नहीं था। मेरे पास फिर भी अभी 16 आवर्स बचते थे, 16 आवर्स तो मेरी पढ़ाई होती भी नहीं थी और मुझे करनी भी नहीं। मेरा मेरा ऐसा था कि मुझे सिर्फ 12 घंटे ही पढ़ाई करनी है, जो कुछ पढ़ू वो पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ू, प्रॉपर शेड्यूल के साथ, ऐसा था। तो मैंने पहले 4 स्लॉट बनाए उसके, पहला
पहला स्लॉट बनाया 5 से 9 का, सेकंड बनाया मैंने 10 से 1 का, थर्ड जो है 2 से 5 का बनाया, और फोर्थ जो है वो 6 से 10 का बनाया। उसमें भी मेरी जो इफेक्टिव स्टडी रहती थी वो सुबह 1 या 2 बजे तक के लिए रहती, इसलिए फिर मेन जो टॉपिक है मेरे, जैसे ये हमारा है जो हमारे ट्यूशन के हाई यील्डिंग पॉइंट्स कहे जाते हैं, तो उसे मुझे मेनली फोकस करना है, तो मैंने सुबह के टाइम पे हमारा रखा, और मेजर संहिता वो भी इम्पोर्टेंट रहती है, तो बाद में जो स्टडी की एफिकेसी है वो हमारी कम हो जाए, तो इसलिए फिर मैंने 2 से 5 बजे माइनर संहिता या सब्जेक्ट को टाइम दिया, और लास्ट में 6 बजे के बाद में तो ऐसा रहता है कि कितना भी पढ़ लो तो वो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो नहीं जाता, इसलिए फिर मैंने वो जो टाइम है वो एमसीक्यू के लिए रखा था। जो एमसीक्यू से क्या होता है ना कि होल क्रॉस चेकिंग हो जाता है कि हमने जो भी पढ़ा है वो प्रॉपर पढ़ा है कि नहीं, इसलिए फिर मैंने जो चौथा लास्ट स्लॉट जो है वो एमसीक्यू के लिए ही रखा था, वो उसके लिए ही रिजर्व था। इतना तो माइंड में फिक्स था कि जितना भी पढ़ना है प्रॉपर शेड्यूल से पढ़ना है, तो मेरा यही कहना रहेगा कि जो भी पढ़ो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ो, प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़ो। प्रॉपर शेड्यूल नहीं होगा तो 13 भी घंटे पढ़ लो, 14 भी घंटे पढ़ लो, ज्यादा इफेक्टिव स्टडी वो नहीं रहेगी। इससे भी ऊपर एक बात रहती थी कि मुझे जो है सुबह अगर मैं 5 बजे उठती थी, और इससे भी ज्यादा बड़ी बात रहती थी ना कि मेरा जो सक्सेस 3 मंत्र है वो था कि मैं आधे घंटे तक मेडिटेशन करती थी। आधे घंटे तो पहले पहले नहीं होता था, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे करके मैंने बढ़ाया, तो फिर मैंने जो टाइम है वो मेडिटेशन के लिए भी रखा था। उससे क्या हो जाता था कि जो मेरी पॉजिटिव वाइब्स है वो मुझे आती थी, सेकेंड मेरा माइंड स्टेबल रहता था, और लास्टली मतलब फाइनल पेपर में भी इसका इफेक्ट जो है वो मुझे दिखाई दिखाई दिया था। जब फाइनल लास्ट लास्ट में जब बहुत निगेटिव फीलिंग आया, लास्ट में माइंड स्टेबल रखने के लिए मुझे ये जो मेडिटेशन है वो बहुत काम में आया था, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि मेडिटेशन के साथ अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो वो हमारे लिए सबसे बेटर रहेगा। और थर्ड बात ये है कि जैसा मैंने बताया कि प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, सेकंड जैसे मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट करो, और थर्ड जो मुझे करनी थी वो थी मेरी क्वालिटी स्टडी। तो पहला ऐसा था कि मुझे प्रीवियस ईयर पेपर की स्टडी कर, प्रीवियस ईयर पेपर की स्टडी मतलब जैसे 2017 के पेपर उठा लो, 2020 अभी 2024 तक, तो उसमें मतलब क्या क्वेश्चंस पूछने जाने का ट्रेंड है, और कौन से टाइप के क्वेश्चंस कौन से एरिया से हमें पूछे जा रहे हैं, तो वो प्रॉपर अगर स्टडी करेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो उससे क्या रहेगा कि जो रॉन्ग पॉइंट है वो जो पूछे जाने वाले चांसेस है उसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। सेकंड ऐसा था कि मुझे प्रॉपर एनालिसिस करनी है मेजर संहिता, सेकंड ऐसा था मेरा कि मुझे जो है वो संहिता की प्रॉपर स्टडी करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि अलग प्लेटफॉर्म से ज्वाइन होने के बाद में संहिता मेरे लिए हार्ड, मैंने क्या किया उससे सिक्वेंशियली लगाया, जैसे चरक संहिता में भी जो स्थान पूछे जा रहे हैं उसको भी मैंने सिक्वेंस लगाया। फॉर एग्जाम्पल चरक चिकित्सा मेन है, चरक चिकित्सा को पहले स्थान देना, उसके बाद में चरक सूत्र है, ऐसे तो ऐसे करके मैंने सिक्वेंशियली सेम सुश्रुत का भी किया था, जैसे सुश्रुत सूत्र इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए। वाच्यप तो मैंने पूरा नोट्स से ही पढ़ा था, उसके लिए संहिता नहीं पढ़ी, और वाग्भट का सूत्र भी मैंने शायद नोट्स से ही पढ़ा था, संहिता में मतलब संहिता देखने के लिए मुझे पूरा टाइम नहीं मिला था, तो ऐसे मैंने सिक्वेंशियली लगाया, तो मेरा काम बहुत ईजी हो गया कि मेन जो फोकस है मेरा यही संहिता के ऊपर, यही स्थान के ऊपर जो रहता वो आया। मेरा थर्ड पॉइंट था कि मुझे एमसीक्यू सॉल्विंग मैक्सिमम करनी है, क्योंकि ऐसा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो मेरी एमसीक्यू सॉल्विंग बहुत कम हो गई, तो एमसीक्यू सॉल्विंग में भी मतलब कैसा होता था कि जैसे हमने एक पहले जैसे सर शेड्यूल देते हैं तो पहले शेड्यूल में भी वही टॉपिक रहता था, फॉर एग्जाम्पल सुश्रुत सूत्र का 25 चैप्टर उठा लो, अग्रय इतने बार रखा जाता है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो ज्यादा से ज्यादा हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, सेकंड टाइम पढ़ेंगे, उसके सामने अगर हम पढ़ने भी जाओ तो पढ़ने का मूड नहीं होता। तो फिर मैंने सर से बात की थी इसके बारे में, सर ने मुझे बोला था कि मतलब एक स्ट्रेटेजी है उसको क्या करना है, पहले एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उसके बाद में फिर उसके थ्योरी पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल उसको बोलते हैं रिवर्स स्ट्रेटेजी। तो मैंने पहले उसके एमसीक्यू लगाया, एमसीक्यू लगाने के बाद अगर मेरा स्कोर जो है वो 90% के ऊपर आ रहा है तो मानो हमारी स्टडी बेटर है, वो जो मतलब वो जो एरिया है उससे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन 70% 60% अगर वो स्कोरिंग आ रहा है तो उससे क्या हो जाता था, मुझे कहाँ मैं गलत हो रही हूँ, मतलब कहाँ मेरे वीक पॉइंट्स है वो
वो मुझे पता चल जाते थे। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत काम आती थी रिवीजन के टाइम। तो थर्ड ऐसा था मेरा मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्विंग। देन मेरा देन मैंने क्या किया कि मुझे अभी टेस्ट एनालिसिस करनी थी प्रॉपर, जैसे मेजर टेस्ट रखते हैं, मॉक टेस्ट रखते हैं। तो उसमें उसमें उसके लिए मैंने प्रॉपर एक बुक बनाई, पेपर एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस कर। तो उसमें क्या होता था कि कहाँ मेरे क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहे हैं, संहिता के कौन से स्थान के ऊपर गलत हो रहे हैं, या फिर मेरे एमआरआई के ऊपर गलत हो रहे थे। तो ऐसा मैंने देखा था कि जहां से भी गलत हो रहे हैं वहां से अभी जाके उसको पढ़ो। तो उससे क्या हुआ था ना कि मतलब हमको क्यों उसको स्किप करना पड़ा, क्यों हमें उसका टुक्का मारना पड़ा। तो मतलब रहता है ना कि क्यों क्यों क्या प्रॉब्लम हुई कि हमारा वो क्वेश्चन गलत हुआ है। तो इसके लिए प्रॉपर एनालिसिस भी हमें जरूरी है। और वो जो क्वेश्चंस के लिए हम झगड़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा क्या आएगा, वो लास्ट टाइम तक के हमें याद रहता ही। और प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस के बाद और एमसीक्यू सॉल्विंग के बाद में हमें हमारे एक स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज जो है वो पता चल जाए। तो मैंने क्या किया था कि मेरे जो वीक एरियाज है उसके लिए भी मैंने प्रॉपर लिस्ट बनाई थी कि ये मेरे वीक एरियाज है, इस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पहले से पता था कि मेरी चरक सा जो है वो वीक जा रही है, मतलब सर के टेस्ट में अगर 10 क्वेश्चन रहेंगे ना तो मेरे 7 ही करेक्ट आते थे, कभी 3 रॉन्ग होते थे, कभी कभी 4 भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते थे उस एरिया के। तो मैंने क्या किया डेली में, लास्ट क्लास में मतलब 1-2 महीने में, तो मैंने डेली में चरक चिकित्सा शेड्यूल खोला। मुझे पता था मुझे मेरा रस वीक है, मेरा द्रव्य भी वीक है। तो द्रव्य तो ऐसा रहता है ना कि कभी मैं मतलब कभी हम पढ़ना भी चाहो तो उसे पढ़ने की इच्छा नहीं होती। और रसशास्त्र का भी मेरा वीक ही पार्ट था, तो मैंने उसके डबल से ऑडियो लेक्चर सुने थे। अगर मुझे पता है कि मेरा सुश्रुत का उत्तर तंत्र स्ट्रांग है तो ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट ना करते हुए जो भी हमारे वीक पोर्शन है उसके ऊपर अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो फिर मतलब उसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मतलब मेरा कहना यही रहेगा कि रैदर देन स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक एरिया पे ज्यादा फोकस। बाद में ऐसा था कि मैंने वॉल चार्टिंग की भी एक मेथड यूज की थी। उससे क्या हो, तो जहाँ पे भी हम लोग पढ़ रहे, जैसे मैं घर पे पढ़ती थी तो मैंने घर पे ही ये सब पेजेस लगाए थे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे तो लाइब्रेरी के डेस्क पेपर लगा। तो रोज देखने से हमें एक इफेक्टिव एफिकेसी मिलती है कि हमारे जो वीक पॉइंट्स है वो हम वॉल चार्टिंग में लगाए, उसे रोज पढ़े। तो रोज पढ़ने से हमारे जो ये जो सब टॉपिक्स है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए। इसके बाद में मैंने कंपैरेटिव स्टडी की, इसके बाद में मैंने कंपैरेटिव स्टडी भी स्टार्ट की थी। कंपैरेटिव स्टडी का इफेक्ट ऐसा रहता है कि जब हम प्रॉपर संहिता पढ़ रहे हैं तो कंपैरेटिव स्टडी नहीं हो पाती हमारी। तो इसके बाद इसके लिए अच्छे से सर ने हमें दिया है, जैसे एक्स्ट्रा नोट्स देख लो, एक्स्ट्रा नोट्स में बहुत सारा कंपैरिजन दिया है। तो उसका इफेक्ट मुझे अच्छा लगा। मैंने जैसे चरक सूत्र के जो एंडिंग एंडिंग के चैप्टर्स के नोट्स है आप देखो देखोगे तो वहाँ पे भी सर ने हमें निकाल के दिया है कंपैरिजन। तो बहुत सारे ऐसे नोट्स है वहाँ पे कंपैरिजन है, तो वो उठाओ और पढ़ना चालू कर दो कि जो भी हमें कंपैरिजन मिल रहा है वो पढ़ो, और नहीं होगा तो खुद बनाओ। जैसे मैंने खुद से बनाया था क्रियाकल्प जैसे टॉपिक्स है, ये वो मतलब बहुत सारे टॉपिक्स है। तो वो हमें कंपैरेटिवली अगर हम पढ़ते हैं तो उसका इफेक्ट हमें ज्यादा मिलता है। ये सब जब मैंने सर के गाइडेंस के अंडर जब ये मेथड्स मैंने फॉलो की थी तो जो हमारी रैंक है वो बढ़ने में वो इम्प्रूव ही होती है। तो मुझे ये इफेक्टिव लगी, ये सब मेथड्स मैंने खुद फॉलो की थी। दैट्स रियली इम्प्रेसिव वरदा कि आपने इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी को यूज किया और हमारे आसपास से तो उसको शेयर किया, आपने प्रॉपर प्लानिंग किया कि कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उसे भी पार्ट किया कि संहिता में ये स्थान को फोकस करना है। उसको जब आपने क्वालिटी टाइम की बात किया, टाइम मैनेजमेंट की, हमें जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है, क्योंकि हर किसी का होता है कि कोई दिन में ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, कोई रात में ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, तो उस टाइम पे अगर हम लर्निंग पे ध्यान दें और बाकी टाइम पे एमसीक्यू सॉल्विंग पे ध्यान दें तो हमारा जो गेनिंग है वो ज्यादा हो सकता है। एंड जैसे आपने कहा कि एनालिसिस सिर्फ हमें सिर्फ सॉल्विंग नहीं करना है, उसके एनालिसिस भी करना है, बिकॉज तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हमारा वो बेटर नहीं हो पाएगा। एंड आपने जो वॉल चार्टिंग एंड कंपेटिव स्टडी की बात कही वो भी एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। एंड द रिवर्स स्ट्रेटेजी दैट यू टॉक्ड अबाउट दैट इज ऑल्सो रियली ग्रेट कि पहले एमसीक्यू सॉल्व करके देखो 90% टाइम से ऊपर तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एरिया, अदरवाइज यू नीड टू रीस्टडी दैट पॉइंट। दैट्स रियली ग्रेट एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्ट्रेटेजी। अच्छा वर्दा, दिसंबर से लेके जून तक सिर्फ 6 मंथ से आपको मिले थे, तो इतने कम ड्यूरेशन में आपने संहिता को कैसे पढ़ा और ऑडियो लेक्चर्स का उसमें को क्या इम्पैक्ट? हाँ मैम, मतलब जैसे आपने बोला कि टाइम तो मेरे पास बहुत ही कम था, 6 मंथ या 7 मंथ ही थे, मुझे एनी हाउ पढ़ना तो था। तब मेरे लिए डिटेल में संहिता पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। तो
मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बोला कि सब लोग सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं और तू अलग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके संविदा वाइज स्टडी कर रही है, तो मतलब कैसा करेगी? क्योंकि कैसा रहता था ना कि जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, फर्स्ट ईयर से फाइनल तक हमने कभी ज्यादा संहिता पढ़ी नहीं थी। मतलब बहुत लोग पढ़ते हैं संहिता पहले, हम अदर ऑप्शन ढूंढते रहते थे कि संहिता के अलावा भी हमें कुछ मिल जाए। तो भी फ्रैंक, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कभी संहिता पढ़ी नहीं, मैंने तो सिर्फ नोट्स ही पढ़े थे। तो मुझे तो संहिता भी अच्छे से पढ़नी थी, और इसलिए फिर मैंने सर से एक बार बात भी की थी कि सर मेरे से हो पाएगा कि नहीं। तो उस टाइम जो जैसा हम सर हमें भेजते हैं, जैसे 2023 का, 2022 का जब ने पेपर एनालिसिस बनाया है कि इस स्थान के ऊपर ये इतने इतने क्वेश्चन गिरे थे, तो उसका प्रॉपर एनालिसिस मैंने किया था। जैसे कि पहले बताया कि मैंने सिक्वेंशियली उसको लगाया था, तो इस तरीके से मैंने क्या किया था, चरक संहिता को मैंने ब्लू पेन यूज किया, सुश्रुत तो मैंने रेड पेन ही यूज किया था, वाग्भट के लिए मैंने ब्लैक पेन यूज किया। इससे क्या हो जाती है, हमारी विजुअल मेमोरी बढ़ती है। जैसे क्वेश्चन अगर चरक संहिता के ऊपर आएगा तो रेफरेंस याद रखने की बहुत अच्छा तरीका मुझे ये लगा था। तो इस टाइप से मैंने, इससे क्या होता था कि मेरी रैपिड रिविजन हो जाती। देन मैंने कॉमन पॉइंट्स का एक सिंबल बनाया था, जैसे जहाँ पे दिख रहा है वैसे सिंबल बनाया था मैंने कि ये कॉमन पॉइंट्स है, मतलब संहिता में ये डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें पेपर में वो याद आ ही जाएगी। देन एक्सक्लूसिव पॉइंट्स के लिए मैंने ये सिंबल बनाया था। एक्सक्लूसिव पॉइंट्स मतलब क्या रहता है ना कि ये पॉइंट सिर्फ इसी संहिता का है, इसी संहिता की स्पेशलिटी है, तो इसके लिए मैंने ये पॉइंट बनाया था। और सबसे लास्ट में था मेरा डेंजर मार्क या सर जैसा बोलते हैं मलिंगा पॉइंट, तो ऐसा मैंने एक डेंजर मार्क बनाया। इससे क्या हो जाता था कि डेंजर मार्क मतलब सामने जाके वो पॉइंट कितना भी पढ़ो वो हम भूलने वाले हैं, तो इसलिए मैंने ये मार्क लगाया। ये मार्क मैंने MRI में भी यूज किया था, मैंने संहिता में भी ये मार्क यूज किया था। तो इससे क्या हो जाता था कि जब मेरे पास बहुत कम टाइम है, जैसे अभी मानो मेरे पास 5 ही मिनट है पढ़ने के लिए, तो मैं सिर्फ डेंजर डेंजर पॉइंट पढ़ती थी कि ये मेरे गलत होने वाले हैं तो यही मैं पढ़ूंगी ऐसा। तो ये सब मतलब ये सब करके मेरी संहिता जो मतलब पढ़ना है वो बहुत इजी हो चुका था, और याद भी आ जाती थी क्योंकि विजुअल मेमोरी मेरी बन चुकी थी। इसके बाद में जैसा आपने ऑडियो लेक्चर के बारे में बोला, तो मतलब नो ऑप्शन, हमें ऑडियो लेक्चर तो सुनने ही सुनने हैं, उससे क्लियरिटी तो आती नहीं। और खास करके जैसे चरक चिकित्सा है, मतलब चरक सूत्र है, सुश्रुत के जो कुछ सर ने बनाया है वो तो हमें मिस करने ही नहीं चाहिए। इवन मैंने रसायन शास्त्र के जैसे बोला कि 2 बार ऑडियो लेक्चर सुने थे, चरक चिकित्सा के भी, क्योंकि जब सर ऑडियो बोलते हैं ना तब सिर्फ संहिता नहीं बताते, हमें सर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इसमें बताते हैं। जैसे मतलब जो पॉइंट, जैसे मैं रसशास्त्र या द्रव्यगुण मुझे हार्ड जाता था, तो मैं वहां पे जाके अलग से जाके नहीं पढ़ती। द्रव्यगुण जैसे सुश्रुत सूत्र का चौथा चैप्टर है, तो उसमें ही बहुत सारा द्रव्यगुण हमें हमारा क्लियर हो जाता है। सुश्रुत सूत्र का 38 या 37 चैप्टर है वहां, मतलब उसके भी आगे जो कुछ चैप्टर है वो सब द्रव्यगुण में ही आते हैं, तो द्रव्यगुण का वो भी पार्ट हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट ही क्लियर हो जाता है। तो कैसा रहता है ना, हमें सब्जेक्ट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं गिरती अगर हम सर के ऑडियो लेक्चर सुन रहे होंगे, तो एक्स्ट्रा पॉइंट का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। मतलब सबको सजेस्ट करना चाहूंगी कि ऑडियो लेक्चर स्किप मत करो, मतलब जितना भी हो रहा है, जितना भी हमारे पास टाइम है, तो उतना हमें ऑडियो लेक्चर सुनना ही चाहिए। ये पेन मार्किंग वाली स्ट्रैटेजी वाज अ रियली ग्रेट स्ट्रैटेजी कि आपने विजुअल मेमोरी का यूज किया है कि ब्लू रेड एंड ब्लैक, सो सबको रेफरेंसेस प्लीज याद आता है और एग्जाम में आपको रिकॉल होता है कि हाँ ये रेड से लिखा है तो ये है, ये ब्लू से लिखा है। मलिंगा पॉइंट्स अलग से लिखना, ये पॉइंट्स अलग से नोट डाउन करना, दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग बिकॉज वो हमको कम टाइम में क्या पढ़ना है, सारा टाइम है तो क्या ध्यान देना है, वो उसमें हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड ऑडियो लेक्चर्स जो है वो जैसे आपने कहा कि वो अगर हम सुनते हैं तो हमको ओवरऑल पूरा का पूरा हो जाता है, सब्जेक्ट पढ़ने का जो टाइम है वो वहां पे आराम से बच जाता है उसकी वजह से। अच्छा वरदा, संहिता के बारे में आपने बता दिया, लेकिन मॉडर्न सब्जेक्ट्स है आयुष के, जैसे GK के क्वेश्चंस आते हैं, रिसर्च है, संस्कृत है, ये सब बहुत वास्ट टॉपिक है, सो आपने इसे कैसे कवर किया? सबसे पहले तो मेरी बेसिक स्ट्रेटेजी यही थी कि सबके अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो मेरे भी होंगे, तो अगर सबके क्वेश्चंस करेक्ट जाने वाले हैं तो मेरे भी वो क्वेश्चंस करेक्ट जाने चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, उसको बेसिक बेसिक पॉइंट्स से उसके कवर किए। जैसे फॉर एग्जांपल आयुष जीके का अगर मैं बोलूँ, तो आयुष जीके के बारे में तो जैसे फाइनल पेपर में 6 क्वेश्चन आए, उसमें से 5 क्वेश्चन तो सर के नोट्स में ही थे। जैसा सुप्रजा वाला क्वेश्चन है, बाद में NIE जयपुर वाला क्वेश्चन है, स्मार्ट प्रोग्राम प्रोग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन गिरा था,
तो वो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन तो सीधा मतलब सर ने मॉक टेस्ट में डाला था जैसे कि वैसा एमसीक्यू वहां पे दिखाई दिया। तो ऐसा है ना कि सर के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, और सर के जो नोट्स है वो अगर पढ़े तो उससे ही हमारा कवर हो जाता है। रिसर्च और स्टैट के बारे में अगर बोले तो सर 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 जो एमसीक्यू डालते थे उसके बाहर का क्वेश्चन तो आना मुश्किल ही है, उसी टाइप के क्वेश्चन हमें फाइनल में भी दिखाई दिए। मॉडर्न के लिए ऐसा था कि मॉडर्न तो जितना भी पढ़ो उतना वास्ट है, कितना भी हम ट्राई कर लो लास्ट तक के उसको हम पूरा नहीं कर, तो जितना भी बेसिक है। मैंने तो सिर्फ मॉडर्न मॉडर्न कभी मैंने डिटेल में पढ़ा ही नहीं, मैंने उसके सिर्फ एमआरआई से कवर किया और एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है उसमें से ही मैंने मॉडर्न कवर किया। बाकी तो मैंने मॉडर्न को पढ़ने के लिए मेरे पास सच में टाइम नहीं था, क्योंकि सब्जेक्ट संहिता ही इतनी ज्यादा वास्ट है कि हम वो कब पढ़े ऐसा था। और रसद द्रव्य का भी जैसे मैंने बताया कि द्रव्य का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि सुश्रुत चरक सूत्र के जो चौथा चैप्टर है वहां पे भी बहुत सारा द्रव्य गुण है, तो वहां से ही मैंने कवर किया था ऑलमोस्ट उसको। और सबसे लास्ट आपने जो संस्कृत का बोला है, तो संस्कृत का भी ऐसा ही था कि जितना फर्स्ट ईयर से मैंने पढ़ा है उतना ही मुझे करना है, ज्यादा एफर्ट्स उसमें नहीं डालने हैं बस। क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो हमें नहीं पता कि उसके ऊपर क्या गिरने वाला है क्या नहीं, तो जितना भी बेसिक हमको कवर हो रहा है उतना ही बेसिक करो। और जितना पारिक में है मॉडर्न का दिया हुआ या फिर सब्जेक्ट का दिया, जैसे सर हमें सिलेबस में देती है पारिक की ये पेजेस पढ़ो, हार्डली डेली पढ़ने जाओ तो 10 मिनट से लगते हैं, तो उतना ही मैंने इसके लिए पढ़ा था, ज्यादा एफर्ट्स मैंने इसमें डाले नहीं। जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जो सबको आता है वो तो हमें आना ही चाहिए, सो वो तो हमें करेक्ट करना ही है। तो इसके लिए जो हमारे जो कॉमन पॉइंट्स है वो हमें अच्छे से करना चाहिए। एंड जैसे सर हमको बताते रहते हैं क्लास में, हम उतना भी कर ले तो भी बहुत है। और आपने तो मॉडर्न का सिर्फ एमआरआई से किया था एंड आपका वो भी कवर हो गया, सो दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग कि हमें पूरा एकदम बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से हो जाता है। अच्छा वरदा, आपने ये तो बता दिया कि क्या करना चाहिए, पर पूर्ण सफलता के लिए कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, सो आप हमें बता सकते हैं कि इस जो स्टडी पीरियड होता है इसमें शुरू से क्या नहीं करना। सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगी कि डिस्ट्रेक्शन है हमारे, जैसे सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो उससे तो हमें बचते ही रहना चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मैं इंस्टाग्राम चलाती थी, रील्स देखती थी, तो 1 घंटा तो मेरा उसी के ऊपर जाता था, तो मैंने क्या किया उसको अनइंस्टॉल। इसके बाद में मैंने यूट्यूब का ऑप्शन ढूंढा, यूट्यूब पे भी रील्स आते हैं तो उसे भी मैंने देखना स्टार्ट, तो मतलब कुछ इम्पैक्ट हुआ ही नहीं, मतलब जितना टाइम वेस्ट मेरा इंस्टाग्राम पे जाता था उतना ही यूट्यूब पे जाता। तो फिर मैंने यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोज है वो देखना चालू कर दिए कि ऐसी पढ़ाई करो ये वो करके, तो इससे क्या हो जाता था मुझे लगता नहीं था कि ये मेरा टाइम पास हो रहा है और जो भी मैं कुछ देख रही हूँ मोबाइल में ये इफेक्टिव ही रहेगा, तो ऐसा मैंने किया था। तो यूट्यूब तो लास्ट तक मैंने रखा था। सेकेंड थिंग है कि ओवर थिंकिंग जो अक्सर रिपीटर्स में पाई जाती है, तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, पिछले साल मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था, तो इससे हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है कि हमें जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल है उनसे अगर हमें निगेटिव वाइब्स आ रही है तो उन्हें जो है मतलब थोड़ा साइड रख के, खुद के जो अच्छे फ्रेंड्स है भले एक फ्रेंड हो दो फ्रेंड हो लेकिन हमें अच्छी वाइब दे रही है, पॉजिटिव वाइब दे रही है, पढ़ने में हेल्प हो रही है, डिस्कशन में हेल्प हो रही है, तो उनसे कांटेक्ट रखो। बाकी निगेटिव फ्रेंड्स हैं उनसे तो हमें दूर रहना चाहिए। और सबसे मेन बात जो मैं बताऊंगी अभी कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, जो कुछ स्टडी कर रहे हैं, कितने आवर्स पढ़ रहे हैं, नो मैटर मतलब जो भी है सीक्रेट रखो, मतलब सबको मत बताओ कि मैं ये कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ। जितना ज्यादा सीक्रेट रखोगे उतना ज्यादा सक्सेस रेट हमारा बढ़ेगा, तो लास्ट में तो दिखने ही वाला है ना कि हमारे साथ तो मतलब क्या हुआ हुआ है क्या नहीं। तो मेरा यही मानना है कि जितना ज्यादा आप सब बातें सीक्रेट रखोगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा। जी, आपने सही कहा कि हमें जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हमें अच्छी वाइब देते हैं, जो हमें पॉजिटिव रखते हैं, उन्हें अपने पास रखना चाहिए और खुद को मोटिवेटेड रखना चाहिए। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि होगा नहीं होगा क्या होगा, उसे दूर रहते हुए जस्ट स्टे पॉजिटिव, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, एंड यू विल डू, आपका रिजल्ट तो दिखने ही वाला है सबको। अच्छा वरदा, पूरे प्रिपरेशन में ऐसा कुछ हुआ था क्या जैसे आपका मॉरल और कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हुआ? हाँ मैम, मतलब होता ही है, सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार होता था कि मतलब 5 दिन पढ़ो 6 दिन पढ़ो तो एक टाइम ऐसा आता था ना कि मॉरल बहुत डाउन हो जाता था कि अभी मैं क्या पढ़ू, मतलब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं।
बहुत बार ऐसा होता, तो फिर मैं क्या करती थी, बाहर घूमने के लिए जाओ, पेरेंट्स के साथ बातें करो थोड़ी, क्योंकि मैं घर पे स्टडी कर रही थी, तो फ्रेंड्स के साथ थोड़ी कॉल पे बातें करो, तो ऐसा थोड़ा था। और बाहर घूम के आने के बाद भी अगर मेरा मोरल डाउन ही है, मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि मेरी पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती थी कि अभी मैं क्या इच्छा पढ़ू ऐसा, तो फिर सर से बात कर ली थी, डॉक्टर अजीत पाटिल सर है, उन्होंने तो बहुत अच्छे से हमें गाइडेंस करते थे मुझे, मतलब उनसे बात करने के बाद में तो पॉजिटिव वाइब्स ही आती थी। और सर ने जो आयुर्गाइड टीम में जो मेंबर्स रखे थे, डॉक्टर सोमनाथ सर वगैरह, तो उनके साथ में भी मतलब बातें करती थी, तो उन्होंने भी मतलब अच्छे से गाइडेंस किया था, उनका भी लास्ट तक मुझे गाइडेंस था ही। तो ये जो है मतलब मोरल डाउन वगैरह होता है, तो आप अपने सीनियर्स से हो या फिर अपने मेंटर्स से हो तो बात करेंगे तो अच्छा रहता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमें खुद को मोटिवेटेड खुद ही रखना होता है। अगर हम लोग लो फील करें तो बाहर घूम के आओ, अपने फैमिली से टाइम स्पेंड करो, अपने फ्रेंड्स का टाइम स्पेंड करो, ताकि आप अच्छा फील करेंगे। जब मन खुश होगा तभी हम लोग अपनी पढ़ाई में अपना 100% दे सकते हैं। अच्छा वरदा, आप आपके जो एयर रैंक 50 लाने का श्रेय किसे देना चाहें? प्रथमतः मेरे पेरेंट्स जो मेरे हर डिसीजन में मेरे साथ रहते हैं, और मेरे जो फर्स्ट मेरे प्रथमता मेरे पेरेंट्स जो मेरे हर डिसीजन में मेरा सपोर्ट करते हैं, एंड माय होल फैमिली जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। ब्लड रिलेशन के अलावा बात की जाए तो डॉक्टर अजीत पाटिल सर सबसे पहले, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं इस मुकाम तक के आज नहीं हूँ। वो सर का ऑलवेज मुझे गाइडेंस रहा है, अभी भी गाइडेंस रहता ही है, इसके सामने भी मुझे उनका गाइडेंस रहेगा। और इसके भी बाद मेरा जो BMS UG है जहाँ से मैंने कंप्लीट किया है, श्री KR पांडव आयुर्वेदिक कॉलेज के होल टीचर्स था, उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक आई हूँ, तो उनको भी थैंक्स बनता है। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट डॉक्टर सोमनाथ सर एंड डॉक्टर सोनू जोशी मैम, जो सर के स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है और अभी भी करते रहते हैं। एंड माय फ्रेंड्स जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो उनको ये सब श्रेय है मैं देना पसंद करूंगी। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि एक सक्सेस तो होते भी जाता है मेरे AIPGC से 2023 के रिजल्ट को, अगर वो रिजल्ट नहीं लगता तो शायद ही मैं कभी रिपीट का डिसीजन ले पाती, और शायद ही ये जो ऑल इंडिया रैंक 50 है ये मेरी आती, तो ऐसा है। और जो रिपीट ने जो लाइफ लेसन मुझे सिखाए हैं, शायद ही मुझे गूगल पे या बुक में मिले, तो एक श्रेय तो इसे भी जाता। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जो आपके जो प्रिय है, जो आपके गुरु है, उनके अलावा जो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस में नेगेटिव उस वक्त लग रहा था कि अरे इतना कम रिजल्ट क्यों आया, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के गया। एंड डेफिनेटली वो आपका एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था जिसकी वजह से आपका आज ऑल इंडिया रैंक 50 आया है। अच्छा वरदा, एट लास्ट आप सक्सेस के कुछ प्रिंसिपल्स हमारे एस्पिरेंट्स साथ शेयर करना चाहेंगे जो हमें एग्जाम तक नहीं भूलने? जैसे हमारे आचार्य शरद जी ने लिख के रखा है, 3 बार, अध्ययन, अध्यापन, तद्वित संभाषण, ये तीनों जो बातें हैं हमारे AIPGC की प्रिपरेशन को मैच करती है। अध्ययन खुद पढ़ो, अध्यापन दूसरों को पढ़ाओ या खुद को ही पढ़ाओ, और तद्वित संभाषण मतलब डिस्कशन करो। ये जो तीनों बातें हैं ना, ये हमें याद रखनी है, हमें उसी के हिसाब से सामने जाना है। नेक्स्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो प्रिपरेशन को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे ना। और उसके बाद में मोस्ट MCQ का स्टडी जो है, जैसे मैंने बोला कि उससे के ऊपर मैंने मोस्ट फोकस किया था, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब हमारे टाइम पे बहुत लोगों का लास्ट मतलब पेपर में जो लास्ट में टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाया था, तो वो असफल रहे। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जो भी तुम्हें टाइम मैनेज करना है पेपर के टाइम, तो वो अभी से स्टार्ट कर दो कि मैं इतने स्लॉट में पेपर सॉल्व करूँ, इतने स्लॉट में मेरा पर होना चाहिए, इतने टाइम में होना चाहिए, तो ये हमें लास्ट तक याद रहना है कि हमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हमें देना है। रिवीजन, रिवीजन की अगर बात करें तो रिवीजन का इफेक्ट कैसे होता है कि जैसे हम क्वेश्चन फाइनल में देख रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हमें विदाउट ऑप्शन आना चाहिए, मतलब हमने अगर वो टॉपिक पढ़ा है तो वो टॉपिक का हमें आंसर आना ही चाहिए, उसमें नो कंफ्यूजन, मतलब 50-50 भी चांसेस नहीं रहने। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वो नहीं आएगा लास्ट। तो ऐसे ऐसा हमें ध्यान में रखना है कि जितना भी हमें हमने पढ़ा है उतना ही हमें याद आना चाहिए। रेदर लास्ट के 1 मंथ में मैंने जो कुछ है बाकी का मतलब एक्स्ट्रा पढ़ना जो रहता, मैंने सब बंद कर दिया था, मैंने सिर्फ यही पढ़ा था, जितना मैंने पढ़ा है उतना ही उसको रिवीजन दिया। ज्यादा रिवीजन हमारे सक्सेस हमको सक्सेस के और पास लेके जाता। उसके बाद में कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, मतलब तुम चाहे, जैसे मैंने बताया कि मेरी कभी
13 14 घंटे पढ़ाई हुई, 8 घंटे भी पढ़ो 7 घंटे भी पढ़ो, लेकिन मतलब रोज पढ़ो, रोज कंसिस्टेंट उसे रहने दो। अगर शेड्यूल टूट गया ना हमारा, तो उसे मतलब फॉलो करने करने के लिए हमें बहुत टाइम जाता है। इसलिए जितना कंसिस्टेंटली हमें करना है, उतना लास्ट तक के कंसिस्टेंसी हमें निभानी। और सबसे लास्ट बात तो ये है, ट्रस्ट ऑन योर मेंटर, ट्रस्ट ऑन योर टीचर। जैसे हमारे डॉक्टर अजित पाटिल सर है, तो उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट करो, जो कह रहे हैं वो फॉलो करो, और उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव और हमारी जो मेहनत है, एक ना एक दिन बहुत अच्छे से रंग लाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे सक्सेस के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस रिविजन एंड ट्रस्ट ऑन योर टीचर, योर फैकल्टी, योर मेंटर। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्धा कि आप अपना टाइम निकाल के आए, हमारे साथ जुड़े, एस्पिरेंट्स को अपनी स्ट्रैटेजीज को शेयर किया, इतना मोटिवेट किया, अपने इनपुट्स दिए कि आपने क्या फेस किया, कैसे हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर।